वेलकम टू बॉलीवुड पंचनामा, जहां हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज के साथ। द कॉल। वो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म की रीमेक की बात करने वाला हूं, उस फिल्म को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। फिल्म का नाम है द कॉल, जो वर्ष 2020 में आई एक साउथ कोरियन फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है ली चुंग ह्यून ने। ये फिल्म वर्ष 2011 में आई ब्रिटिश और पोर्तोरिकन फिल्म द कॉलर की कहानी से इंस्पायर्ड है। हाल ही में ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में पार्क शिन ही नजर आए किम सो यो के किरदार में। वही जो जोंग सियो ने इस फिल्म में योंग सुक का किरदार निभाया है। किम संग रियंग ने सियो यो की माँ यून ए का किरदार निभाया है। वही ली एल ने फिल्म में योंग सुक की माँ जा ओक का किरदार निभाया है। फिल्म के अन्य कलाकारों में थे ऊ जोंग सी और पार्क हो सैन। ये फिल्म एक कमाल की फिल्म है और IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग भाग में, जो है फिल्म की कहानी। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है वर्ष 2019 से, जहां 28 वर्षीय किम सियो यो नामक की लड़की अपने गाँव वापस लौटते समय अपना सेलफोन खो बैठती है। वो गांव में अपनी बीमार माँ को मिलने के लिए आती है। घर पर वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उसके हाथ एक पुराना सा कॉर्डलेस फोन मिलता है। एक दिन वो फोन रिंग होने लगता है और जब वो उसका जवाब देती है तो उसे एक डरी और परेशान लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो किम से मदद की गुहार लगाती है और उसे ये बताती है कि उसकी माँ उसे यातना दे रही है। छानबीन करने के बाद किम को पता चलता है कि फोन पर बात करने वाली वो लड़की दरअसल उ योंग सुक है, जो उसी घर में वर्ष 1999 में रहती थी, यानी कि 20 साल पहले। किसी तरह वे दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने में सफल हुए थे, वो भी समय चक्र के विपरीत। दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने लगते हैं। योंग सुक अनाथ है और वो अपनी दत्तक माँ के साथ रहती है, जो स्वयं एक तांत्रिक है। वही किम सियो यो के पिता एक अग्निकांड में मारे गए हैं, जिसके लिए किम अपनी माँ यून ए को दोषी मानती है। वही भूतकाल में किम और उसके परिवार योंग सुक के घर भी आते हैं। वो उस घर को खरीदना चाहते हैं। तभी योंग सुक किम को पहली बार देखती है। योंग सुक वर्तमान की किम को उसके पिता की आवाज फोन पर सुनाती है। इस पे योंग सुक एक प्लान बनाती है कि भूतकाल में वो उस अग्निकांड को होने से रोक देगी, जिससे किम के पिता की जान बच जाएगी। अपने इस प्लान में वो कामयाब भी हो जाती है, जिसके कारण किम सियो यो का वर्तमान बदल जाता है और उसके पिता फिर से जिंदा हो जाते हैं। किम का परिवार वर्तमान में काफी सुखी और समृद्ध है। वही योंग सुक अपने माँ की दहशत में जी रही है और वो काफी परेशान होती है। वर्तमान में किम जब योंग सुक के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसे ये पता चलता है कि योंग सुक की माँ योंग सुक को मार देती है, क्योंकि वो ये मानती है कि योंग सुक एक शैतान आत्मा है जिसके हाथों कई लोग मारे जाने वाले हैं। इस होने वाली घटना से किम योंग सुक को उनके बीच के अगले फोन कॉल में अवगत कराती है। योंग सुक खुद को बचाने के लिए अपनी माँ को जान से मार देती है। आगे आता है आजाद योंग सुक का असली चेहरा, जो काफी ही खौफनाक है। वो अपने माँ के शरीर के टुकड़े करती है और उनको थैलियों में भरकर फ्रिज में रख देती है। योंग सुक के खून करने का सिलसिला और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो एक सीरियल किलर बनने लगती है। किम को इस बात का तब पता चलता है जब योंग सुक द्वारा कत्ल किए गए लोग उसके वर्तमान से गायब होने लगते हैं, और जिसके कारण वर्तमान की सारी परिस्थितियां भी बदलने लगती है। एक फोन कॉल पर किम योंग सुक को बताती है कि वो गलत कर रही है, जिसके लिए भविष्य में उसे जेल होने वाली है। किम सियो के पिता और नन्ही किम सियो भूतकाल में वर्ष 1999 में घर देखने के लिए योंग सुक के घर आती है, जहां योंग सुक किम के पिता को जान से मार देती है और किम को बंदी बना लेती है। उसी वक्त वर्तमान 2019 में किम देखती है कि उसकी घर की हालत बद से बदतर हो गई है। योंग सुक किम को फोन पर बोलती है कि उसे ये पता करना होगा कि वो कैसे पकड़ी जाती है। पहले किम योंग सुक को एक गलत खबर देती है ताकि योंग सुक की उसी हादसे में मौत हो जाए, लेकिन योंग सुक किसी तरह उस हादसे से बच जाती है। बाद में योंग सुक किम से बदला लेने की ठानती है और किम को धमकी देती है
कि अगर वो ये खबर नहीं दिला पाएगी तो वो उसकी माँ यून ए को मार देगी। मजबूरन किम पुलिस स्टेशन में घुसकर वहाँ के एक किताब से सारी जानकारी हासिल करती है। योंग सुक किम को इस सच्चाई का भी ज्ञात कराती है कि किम स्वयं अपने पिता की मौत की जिम्मेदार थी और ना कि उसकी माँ यून ए। किम योंग सुक को सारी खबर देती है जिससे योंग सुक गिरफ्तारी से बच जाती है। वर्तमान फिर से बदलता है और अब योंग सुक उस घर की मालिक है जो एक खतरनाक सीरियल किलर बन गई है। साथ ही उस पुलिस की किताब की सारी कहानियां बदलने लगती है। अतीत में जब किम की माँ योन ए घर में एक पुलिस ऑफिसर के साथ आती है किम और अपने पति की तलाश में, तब वर्तमान में किम इंतजार करती है कि कब उसकी माँ घर के फोन से कॉल करेगी। जैसे ही अतीत में योन ए फोन उठाती है तो वर्तमान में किम उसे वहां से भागने को कहती है। योंग सुक पुलिस ऑफिसर को मार देती है और किम की माँ को मारने का प्रयास करती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और यून योंग सुक को ऊपर से नीचे गिरा देती है जिसमें किम को लगता है कि दोनों मारे गए हैं। वर्तमान में किम को यह पता चलता है कि उसकी माँ ने किसी तरह योंग सुक को हराया है और वो अभी जिंदा है। फिल्म के अंत में कहानी फिर से एक बार बदलती है जब भूतकाल में योंग सुक केवल घायल हुई होती है। भूतकाल की योंग सुक वर्तमान के योंग सुक से फोन पर बात करती है जिसके बाद वर्तमान में किम की माँ अचानक गायब हो जाती है, जिसका ये मतलब है कि भूतकाल में योंग सुक ने किम की माँ को मार दिया। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और पूरी फिल्म मैंने बिना किसी ब्रेक के देखी है। दोस्तों ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है जिसे आज के जमाने में अगर बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों ने निभाया तो देखना काफी मजा आएगा। अगर सोनाक्षी सिन्हा ने योंग सुक का किरदार निभाया तो काफी मजा आएगा। वही किम सियो के किरदार में श्रद्धा कपूर एक सही पसंद होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये आपका चैनल है, हम ज्यादातर वीडियो आपके सुझाव पर ही बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगले मूवी का सजेशन डालना ना भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास और बहुत कुछ है। ऊपर के बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखिए। नीचे के बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।